नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने संज्ञा को देखा और आज का जो हमारा वीडियो है वह सर्वनाम पर आधारित है। दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी को हम बारी बारी कर देखेंगे। दोस्तों आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं सर्वनाम। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कोई भी आदमी या किसी भी आदमी का नाम है, अगर उसके नाम की जगह पे हम कोई ऐसा शब्द यूज करें जो कि उसके नाम के स्थान पर हो उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जा रहा है, उसका कुछ नाम होगा। कोई भी आदमी जा रहा है उसका क्या नाम होगा? सपोज दैट राम, उसका क्या नाम होगा? राम नाम होगा। लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक तो आप ये वाक्य बोल सकते हैं कि राम जा रहा है। एक वाक्य आप क्या बना सकते हैं कि वह जा रहा है। तो ये जो वह है ना, जो राम की जगह पे जो मैंने वह बोला है, यही क्या है? सर्वनाम है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, तुम, वह, मैं, वे, ये सभी जो है सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। दोस्तों एक जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का आखिर यूज क्यों है। देखिए वाक्यों में संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहानी है उसमें एक ही जो है कि कोई सब्जेक्ट है या एक ही कोई जो है करेक्टर है जिसका नाम आता है और उसके नाम को हम बार बार नहीं ले सकते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उसके नाम की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर सर्वनाम के प्रकार की तो यह कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कर्ता के नाम के स्थान पर, कर्ता के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वैसा शब्द, वैसा सर्वनाम, वह सर्वनाम जो कर्ता के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, वह, तू और तुम। ठीक है, जैसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, मेरा नाम क्या है? प्रभु। क्या है? क्या मेरा नाम है? प्रभु। प्रभु काम कर रहा है ना? प्रभु काम कर रहा है। अगर आप कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि प्रभु काम कर रहा है। अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु करता है, काम कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वह काम कर रहा है। क्या कहेंगे? वह काम कर रहा है, अगर आप कहेंगे तब। इसी तरीके से देखिए अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो खुद के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम ही क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, स्वयं, खुद। अब जैसे मैं देखिए इस सेंटेंस बनाऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं है ये मैं अपने लिए कह रहा हूं मैं, तो इसी को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं वीडियो स्वयं बना लूंगा, तो ये जो स्वयं है ना ये तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो यही क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब जैसे खुद, मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, या मैं अपना गाड़ी खुद ही चलाता हूं, तो ये जो खुद है ना ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। ऐसे शब्द जब भी आए, मैं, स्वयं, खुद, ये सब क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। एक वस्तु या, क्या दिया है? एक वस्तु या व्यक्ति का, है ना? मान लीजिए एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु, ये बोर्ड क्या है? कोई दूसरा वस्तु है, इसके साथ जो संबंध स्थापित होता है ना? देखिए एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध स्थापित करता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है इसका एक, जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। ठीक है, जैसे वह आया वैसे ही, है ना, जैसे और वैसे, जैसे और वैसे। देखिए जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। जैसे एक आदमी आ रहा है, जैसे ही वह आया वैसे ही वह चला गया, एक आदमी चला गया, तो दोनों का क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे, वैसे, जैसा, तैसा, ये सारा चीज है ना, ये सारे शब्द जो है और संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है।
दोस्तों चौथा जो हमारा है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम प्रश्न करने हेतु या वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है तुम कौन हो। तुम कौन हो, इसमें जो कौन लगा हुआ है यह क्या कर दे रहा है, वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे रहा है। तो यह कौन क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाला उदाहरण आप देख पा रहे हैं, तुम कहां से आए हो। तुम कहां से आए हो, मैंने पूछा तुम कहां से आए हो, मैंने कहां लगा दिया, यही कहां जो शब्द है यही सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे निकट या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ऐसा सर्वनाम जिससे निकट या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो। उदाहरण यह, वह, ये, वे। जिस सेंटेंस में यह, वह, ये, वे आ जाए, जैसे यह मार्कर है, तो यह क्या है, एक निश्चित वस्तु को मैंने कहा। मार्कर एक वस्तु है, मैंने कहा यह मार्कर है, ठीक है। वह राम है, वह राम है, वह छात्र है, एक निश्चित है, निश्चित बता रहा है। ये मार्कर है, वे विद्यार्थी है। तो इस तरीके से है। पांचवा जो है हमारा वो है अनिश्चित सर्वनाम। क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या किसे कहते हैं, वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो। इसमें क्या था, किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता था, इसमें नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, कोई कुछ इतना, कोई गया, कोई यहां से गया, कोई फिक्स है, किसी कोई निश्चित व्यक्ति को ये कह रहा है कि कोई गया, नहीं फिक्स नहीं है, देखा नहीं पर संभावना है कि कोई गया। कुछ आम चाहिए, तो कुछ क्या है, एक निश्चित नहीं है, इतना ये भी क्या है, निश्चित नहीं है। अब देखिए इसमें जो कोई है, कोई क्या है, प्राणी बोधक है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मार्कर, नहीं, आप हमेशा ये कहेंगे कोई आदमी, कोई पुरुष, कोई महिला, है ना। इस तरीके से कुछ जो है, कुछ वस्तु बोधक है। क्या है? कुछ वस्तु बोधक है। और इतना क्या है, ये भी वस्तु बोधक है और कुछ भी वस्तु बोधक है, लेकिन जब कोई लग गया तो वो क्या हो जाएगा, प्राणी बोधक। तो दोस्तों ये रहा हमारा सर्वनाम। उम्मीद है आपको सर्वनाम के जितने भी मैंने 6 प्रकार बताए, एक एक सभी आपको बारी बारी करके वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संज्ञा को बताया था, ये है हमारा सर्वनाम। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं विशेषण को बताऊंगा, फिर क्रिया विशेषण, ऐसे हमारा कारवा आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।